नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो क्या कर रहे हैं आप आजकल? तो हम तो भाई ऐसे ही अपने बगीचों में घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे नए नए नज़ारे। तो ये हमारा प्लांट है, इसमें हमने पिछले साल ग्राफ्ट की थी, तो इसमें जो है ग्रोथ आ चुकी है, हमारी पत्तियाँ आ चुकी है, ग्रोथ अब इन पौधों में होने को जा रही है। तो इस वीडियो में आप इस तरह की हम जो है आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जो कि हमारे 2021 में आपको देखने को फर्स्ट टाइम मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमने ग्राफ्ट की हुई है, ये ब्लैक एम्बर की हमने ग्राफ्ट की हुई है। हालांकि जो है मैंने पहले ब्लैक एम्बर की ग्राफ्ट नहीं की थी और ये मैंने पहली ग्राफ्ट की हुई है प्लम की। तो मेरे हाथ से ब्लैक एम्बर की जो ग्राफ्ट हुई थी वो लग गई है, तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये ग्राफ्ट मैंने की है आड़ू में, तो आड़ू में देखते हैं कि ये ब्लैक एम्बर किस तरह से परफॉर्म करेगा और क्या इसके रिज़ल्ट रहेंगे। और इसकी जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, देख सकते हैं आप, कितनी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी जो शेप है बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं ये कलम जो कि लग चुकी है, ये जो है रेड कान की कलम है जो अब लग चुकी है। और अगर आप बगीचे में जाते हैं तो नीचे से जो है जो अनवांटेड शूट्स होते हैं वो निकाल देने चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ये कलम है ये मैंने बहुत नीचे से की हुई है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये पाल्टी यहाँ से ऊपर जो है ख़राब हो चुकी थी और यहाँ से नीचे जहाँ से मैंने ग्राफ्ट की है यहाँ से नीचे जो है सेफ थी, तो इसी कारण जो है कलमें नीचे नीचे हुई हैं। तो ये दूसरी ग्राफ्ट है, यहाँ पर भी ऐसी ही सेम सिचुएशन थी, जो ये अनवांटेड शूट्स है सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि जो है हमारी कलम की ग्रोथ पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और ये कलम लग चुकी है, ये कलम है रेड कान वैरायटी की, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है जो हमारी कलमें थी लग चुकी है। और ये जो है रेड ब्लॉक्स की कलम है, इसमें जो है पत्ते बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और इसमें ग्रोथ आ चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी कलम लग चुकी है और हमारे ऑर्चर्ड में भी कुछ नई नई वैरायटीज़ होंगी।